वंदे मातरम दोस्तों, एज वी ऑल नो द वर्ल्ड इज एक्सेप्टिंग द न्यू मेथड ऑफ वर्कआउट कॉल्ड योगा एंड अराउंड 2 बिलियन पीपल प्रैक्टिस योगा वर्ल्ड वाइड रेगुलरली बट अ लॉट ऑफ पीपल ऑनलाइन एक्चुअली वांट टू नो हाउ एग्जैक्टली एंड फ्रॉम वेयर योगा ओरिजिनेटेड। अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज और फैक्ट मिले तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि आप अपने कल्चर को विद फैक्ट समझ पाए और लोगों को भी समझा पाए। एंड इफ यू लाइक आवर वर्क प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फर्स्टली थैंक गॉड वी डू नॉट हैव पीपल हु क्लेम योगा इज एन इन्वेंशन ऑफ वेस्ट, जैसा कि वो लोग हर इंडियन चीज को कहते हैं, बट देयर आर स्टिल अ फ्यू हु क्लेम इट वाज जीसस हु न्यू योगा। नेवर माइंड देम, एज द हंबल बिगनिंग ऑफ योगा वॉज इन भारत, लगभग 8000 साल पहले से योगा भारत में करा जा रहा है और सेक्रेट टेक्स्ट जैसे ऋग्वेद और उपनिषद में भी इनके मेंशंस है। योगा एक कलेक्टिव ग्रुप है फिजिकल मेंटल और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स एंड प्रिंसिपल्स का जो एंशिएंट भारत में डेवलप हुए थे एंड इट वाज ब्रॉडली प्रैक्टिस्ड इन हिंदुइज्म जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। वंस द वेस्ट यूज्ड टू लाफ एट अस बट टुडे दे आर एक्सेप्टिंग योगा एंड इट्स बेनिफिट्स। सभी 192 यूएन मेंबर्स पिछले 5 सालों से इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड गेस व्हाट, पाकिस्तान इज वन ऑफ देम। ऑन 27 सितंबर 2014 पीएम मोदी एड्रेस द यूएन ऑन व्हाई योगा शुड बी प्रैक्टिस्ड बाय एवरीवन एंड लेटर यूएन डिक्लेयर 21 जून एज द इंटरनेशनल योगा डे। ऑल्दो इट ऑल स्टार्टेड इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स वे बैक इन 1893 व्हेन स्वामी विवेकानंद इंट्रोड्यूस्ड हिंदुइज्म टू द वर्ल्ड एंड एक्सप्लेन्ड हाउ रिच एंड डाइवर्स द कल्चर इज। आज पूरी दुनिया योगा और इसके बेनिफिट्स को रिकॉग्नाइज कर रही है एंड आई टेल यू सम अमेजिंग फैक्ट्स। नेपाल ने अपने सभी स्कूलों में योगा एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया बिकॉज इट प्रमोट्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल। 1 in 3 अमेरिकन हैज ऑलरेडी ट्राइड योगा एटलीस्ट वंस। एट एनी वन टाइम देयर आर ओवर 80 मिलियन योगा पोस्ट ट्रेंडिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड द ग्लोबल योगा मार्केट इज वर्थ ऑफ $80 बिलियन। दैट्स अमेजिंग राइट। लेकिन अगर पूरी दुनिया में सब लोग ये मान रहे हैं कि योगा इज द नीड ऑफ आवर, तो इंडिया में अभी भी इसको लेकर राजनीति क्यों हो रही है? रिलीजियस लीडर्स लगातार आर्टिकल्स एंड वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, लोगों में हेट्रेड फैला रहे हैं कि योगा करना उनके मजहब में हराम है, एक पाप है। और हाल ही में इंडियन क्रिकेट प्लेयर मोहम्मद कैफ ने इंटरनेशनल योगा डे पे ट्वीट करा जिसमें वो योगा करते दिखाई दिए। अब इतनी सी बात पर इस्लामिस्ट ने उनके कमेंट सेक्शन पे अटैक कर दिया और ये कहा कि दिन में 5 बार नमाज पढ़ लेते तो अपने कर्म कम हो जाते। हालांकि कैफ भाई को सपोर्ट करने दूसरे मुस्लिम भाई भी आए, लेकिन हमारी सोसाइटी में आज भी ऐसे कीड़े हैं जो दो धर्मों के बीच इतनी छोटी बातों पर भी लड़ाई करवाना चाहते हैं। टू कंक्लूड आई वॉन्ट टू से योगा इज एन एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म एंड एनीवन कैन प्रैक्टिस इट रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन। इट इज अ कनेक्शन बिटवीन योर आत्मा बॉडी एंड गॉड एंड इट हैज अ नंबर ऑफ साइंटिफिक बेनिफिट्स लाइक इट रिड्यूसेस स्ट्रेस, काम डाउन द एंग्जायटी लेवल व्हिच अल्टीमेटली लीड्स टू अ बैलेंस्ड ब्लड प्रेशर लेवल, proven to help diagnose cancer, diabetes, obesity and asthma. We all should be proud of it as it originated from the land of Bharat and should learn this scientific approach to the inner well-being of the humans. Hum aise hi 108 episodes different topics par banayenge on why you should be a proud Hindu. And if you want to be a part of this initiative, do subscribe to our YouTube channel and share this video with your friends. See you guys in episode 4. Vande Mataram.